My dear students, today the topic that we are discussing is CIP rules. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CIP rules. इन रूल्स का यूज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड निकालने में होगा, और आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाश समवायता में कॉन्फ़िगरेशन यानी आर और एस निकालने में होगा. CIP रूल काफी इंपॉर्टेंट है. बाय एजे सर नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एजे सर है. ठीक है, मेरा नाम अमित जैन है. तो ये इससे मिस इंटरप्रिटेशन ना करें कि ये मैंने दिए हैं. ये रूल दिए थे, इनको सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं, सीआईपी रूल. और ये दिए थे कान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ने. किसने दिए थे? कान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग. तो उनके इनिशियल से ही बनाए सीआईपी. सी फॉर कान, आई फॉर इनगोल्ड एंड पी फॉर प्रीलॉग. ठीक है, डायरेक्ट सवाल भी आया हुआ है इसके अंदर, जेई एडवांस के अंदर, जेई मेंस के अंदर, नीट के अंदर भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट सवाल भी आपको मिल सकता है. और जीआई और ओआई के अंदर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो इसका यूज है ही सही काफी ज्यादा. तो शुरू करते हैं हम. इसका बेस क्या है, सिक्वेंस रूल का क्या है, सीआईपी का जो यहाँ पे बेसिस क्या है. ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास या मास नंबर इसका बेसिस होता है. तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ग्रुप और एटम अटैच ऑन ईच टर्मिनल आर गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल. अब ये सीक्वेंस रूल किस पे बेस है? मास नंबर पे नहीं है. किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर. हिंदी वालों के लिए बोले तो परमाणु क्रमांक. ठीक है, तो पहले रूल पे आते हैं. पहला रूल क्या बोलता है? एन एटम विद हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर द एटम हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर. कहने का मतलब है कि ग्रुप के फर्स्ट एटम को देखते हैं. किसको देखते हैं? ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर फर्स्ट एटम को देखना है. जिसके फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे हायर प्रायोरिटी मिलेगी. जैसे पहला एग्जांपल अगर हम लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसके ज्यादा है? क्लोरीन का. फिर ब्रोमीन किसके ज्यादा है? ब्रोमीन का. फिर आयोडीन किसके ज्यादा है? आयोडीन का. तो ये हमारे पास पहला जो मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है. फिर देखिए, फ्लोरीन हो गया, OH हो गया. हम यहाँ पे एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार की बात नहीं करें, परमाणु क्रमांक की बात करें, वो भी फर्स्ट एटम फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है, तो किसको मिलेगा? फ्लोरीन को मिलेगा. फिर मान लीजिए यहाँ पे NH2 है, तो फर्स्ट एटम क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन. या फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? OH को मिलेगी. फिर ये मान लीजिए CH3 दिया हुआ है, सॉरी, अगर यहाँ पे CH3 दिया हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या था? कार्बन. तो कार्बन नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का ज्यादा है. ठीक है, ये समझ में आया. और समझते हैं हम इसका. जैसे मान लीजिए CH2OH, NH2. अब मुझे यहाँ पे पूरे का वेट नहीं देखना है, मुझे तो फर्स्ट एटम से मतलब है. फर्स्ट एटम यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है. फर्स्ट एटम यहाँ पे क्या है? कार्बन. यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है? नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का. तो इसे प्रायोरिटी मिलेगी. CCl3. और ये मान लीजिए NH2 ले लेते हैं. फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन या नाइट्रोजन. तो किसे मिलेगी? NCl3 या Cl2 कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एटम ऑक्सीजन या फर्स्ट एटम नाइट्रोजन.
आगे से मतलब नहीं है, फर्स्ट एटम से डिसाइड हो रहा है। OH, SH, एटॉमिक नंबर। CF3, OH, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फर्स्ट एटम क्लोरीन या फर्स्ट एटम कार्बन। तो रूल नंबर वन शायद आपको क्लियर होगा। रूल नंबर वन क्या बोलता है कि जिसका फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे वाले ग्रुप पे। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट एटम सेम हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर हम सेकेंड एटम को देखेंगे। सेकेंड का एटम का नंबर ज्यादा है दूसरे वाले ग्रुप के सेकेंड एटम से तो फिर उसे प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड भी सेम हो गया तो फिर क्या देखेंगे? थर्ड देखेंगे। और अगर थर्ड भी सेम हो गया तो फोर्थ देखेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमें अलग अलग एटम नहीं मिल जाते। पहले क्या देखना है? फर्स्ट फर्स्ट अगर सेम हो गया तो सेकेंड देखेंगे। सेकेंड अगर सेम हो गया तो थर्ड का नंबर आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें डिफरेंट यानी अलग अलग एटम नहीं मिल जाते। बात समझ में आती है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट एटम इज कार्बन या फर्स्ट एटम इज कार्बन, दोनों सेम हो गए तो अगले एटम पे आए। अगले एटम में कौन है? दो हाइड्रोजन एक आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, तो आयोडीन के कारण मिल गई। यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन के कारण मिल गई, या क्लोरीन फ्लोरीन में, या फ्लोरीन ऑक्सीजन में, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, या नाइट्रोजन कार्बन में। समझ में आता है ये? ठीक है, चलिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। CCl3, CH2Br। ज्यादातर लोग इसका आंसर CCl3 लगाते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें। फर्स्ट एटम कैप्टन की तरह है। किसकी तरह है? कैप्टन ऑफ द टीम। अगर ये अलग अलग है तो इससे डिसाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कैप्टन क्या हो गया? सेम हो गया। सेकंड एटम का नंबर आया। सेकंड इज द टीम। टीम टीम में कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है। इसी टीम में कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। इसी टीम से खेलने के लिए कौन आएगा? इधर से इधर उतार देते हैं क्लोरीन। इधर से कौन आएगा सेकंड वाली टीम से खेलने के लिए? आप जीतने के लिए खेलते हो, हारने के लिए खेलते हो? हर कोई जीतने के लिए खेलता है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये तीनों ही सेकंड है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है सेकंड के लिए टीम। एक एटम नहीं होगा, समझ में आता है? एक से ज्यादा एटम होंगे। तो अब मुझे कंपेयर करना है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन, फिर ये कैसे करें भाई? तो यहाँ पे भाई हमें जीतने के लिए खेलना है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को भेजेंगे और यानी मजबूत प्लेयर को भेजेंगे। अब स्ट्रेंथ किससे देखी जाएगी? एटम की नंबर जिससे ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन में किससे ज्यादा है? ब्रोमीन का। यहाँ पे खेलने के लिए कौन आएगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जिता देगा, ब्रोमीन जिता देगा तो बाकी क्लोरीन बैठे रह जाएंगे। यानी एक नई सेंचुरी मार दी, बाकी तो बेकार हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए। लिमिटेड ओवर का मैच है, 2020 का खत्म हो गया मैच। और चलें NH CH3, NH2Br, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, टीम सेम, सॉरी कैप्टन सेम। सेकंड का नंबर आया। सेकंड इज टीम में कौन कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन और ये लोन पेयर। ये लिख लिया मैंने। लोन पेयर का एटॉमिक नंबर 0 होता है। इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो लोन पेयर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होगा? 0। एक और नई चीज सीख गया मैं। यहाँ पे आए दो हाइड्रोजन और लोन पेयर, ऐसे लिख लिया एकाकी हूँ। इधर से कौन आएगा खेलने के लिए? स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कार्बन। इधर से कौन आएगा? हाइड्रोजन ही है। जीत गया। समझ में आया? समझ में आया सभी को?
ये क्लियर है। और बात करते हैं CH2, CH3, CH, CH3। फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन, कार्बन। सेकंड एटम कौन है? दो हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे कौन है? एक हाइड्रोजन और दो कार्बन। इधर से कौन आएगा? कार्बन। इधर से कौन आएगा? कार्बन। बराबर। फिर इधर से कौन आया? हाइड्रोजन। इधर से कौन आया? कार्बन। जिता दिया कार्बन ने, CH2OH, फर्स्ट कौन है? कार्बन। इधर भी कौन है? कार्बन। बराबर। टीम का नंबर आया। टीम में कौन है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इधर टीम में कौन है? कार्बन, कार्बन, कार्बन। वाह यार। इधर से कौन आया? ऑक्सीजन। इधर से कौन आएगा? कार्बन। स्ट्रॉन्गेस्ट को भेजेंगे, जिता दिया, एक ऑक्सीजन ही भारी पड़ गया। रूल नंबर टू क्लियर है? रूल नंबर टू अब ये देखो, अब तो क्लियर है, यहां से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड इज कार्बन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, रूल नंबर टू समझ में आ गया। रूल नंबर थ्री पे आते हैं। रूल नंबर थ्री बोलता है कि अगर ग्रुप में, समूह में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके कंसिडर किया जाता है इक्विवेलेंट टू या थ्री सच एटम्स। जैसे ए डबल बॉन्ड बी है, अब इसको डुप्लीकेट करना है, तो ए दो बी से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है बोलो, तो ये अपन ने माने हैं, है नहीं? असल में थोड़ी है, रियल में थोड़ी है, इनको आपने माना है, एज्यूम किया है। ये क्या हो गए? वर्चुअल या फैंटम या सूडो एटम्स, इनका एटॉमिक नंबर 0। कितना? 0। ठीक है, ये सर्कल वाले मैंने माने फैंटम, ठीक है, और ये क्या है? रियल। ए दो बी से जुड़ा हुआ है तो ये दो बी बना दिए, और यहां पे बी भी दो ए से, तो ऐसे दो ए बना दिए। समझ में आया? जैसे मुझे बनाना होता ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो कैसे बनाऊंगा? ये दो फैंटम, ए ये फैंटम। समझ में आया? जैसे इसको सी डबल बॉन्ड सी, तो भैया ये सी सी रियल, ठीक है, ये वर्चुअल, इसको करना है तो ये वाला सी, समझ में आ रहा है, और ये वाला सी, क्या हो गए? वर्चुअल हो गए। समझ में आया? बोलो, ये थे ना, इसको जैसे ऐसे बनाऊं सी, फिर आगे दो सी, तो ये वाले दो हो गए, तो स्केप पे दो, ये दो। आ गया समझ में? क्लियर है सभी को? ठीक है, CHO को बनाना है, देखना।
वर्चुअल बोलो, आया समझ में? ए डबल बॉन्ड बी जैसा, ठीक है। ये सी एन रियल है, इस पे दो कार्बन जोड़ दिए, इस पे दो नाइट्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। जैसे मुझे कंपेयर करना हो, CH2OH, अब इसको समझिए, फर्स्ट इज कार्बन कार्बन, सेम हो गया कैप्टन। अब इसकी टीम में क्या माना जाएगा, ये डबली बॉन्डेड है तो इक्विवेलेंट दो ऑक्सीजन मान लिए और एक हाइड्रोजन, इसकी टीम में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अब इधर से आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर, फिर कौन आया, फिर वापस से इधर से लेंगे अपन ऑक्सीजन, इधर वाली टीम से कौन आएगा, हाइड्रोजन, जीतेगा कौन, समझ में आया, सी डबल बॉन्ड हो। अब इसकी टीम में कौन है, फर्स्ट कार्बन, इसकी टीम में भी कार्बन, कैप्टन है, कार्बन कार्बन, टीम में कौन है, तीन ऑक्सीजन, इसकी टीम में कौन है, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जीत गया, समझ में आया। देखो और समझने की कोशिश करते हैं, CH OH OH, इसको देखना है, इसको अब डुप्लीकेट कर ले, अब करके देखना पड़ेगा, तो ये CHO, आगे सी है, इधर ओ है, ये CHO, हाइड्रोजन को आप इग्नोर करें, ठीक है। अब इस दोनों को देखो, यहां तक तो बराबर है, यहां तक तो सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन, समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए होता, अब डुप्लीकेट करो, CHO O, ये सी, ऐसे करेंगे, कार्बन डबली बॉन्डेड है दो बार और ऑक्सीजन भी दो कार्बन से, और वर्चुअल कौन कौन से हैं, ये वर्चुअल था, यहाँ पे इसको भी लिख लो CHOCO, ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। अब देखो दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ये रियल है और ये वर्चुअल है, अब पोल खुलेगी, अब कौन जीतेगा, ये या ये गलत है, कौन जीतेगा अब, तो ये रियल और वर्चुअल की बात तभी करी जाएगी जब डुप्लीकेट या मल्टीप्लीकेट करने पर जो दूसरा वाला ग्रुप दे रखा है उसके जैसा बन जाए, तब रियल और वर्चुअल में कौन विनर होगा, रियल, के पहले तक रियल वर्चुअल से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे देखो किसको मिला, यहाँ वर्चुअल रियल की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो भैया इसको मिल गया, ठीक है। ये वैसा हुआ कि दो बंदे हैं, फर्स्ट ये सेकंड, समझने की कोशिश करें, इन्होंने शर्त लगाई किसी जेब में ज्यादा पैसे हैं वो जीतेगा, इसने बोला भैया मेरे पास 2,000 रुपये, इसने बोला मेरे पास भी 2,000 रुपये, बस बोल रहे हैं अभी दिखा नहीं रहे, इसने बोला मेरे पास 2 500 के, इसने बोला मेरे पास ये 2 500 के, इसने बोला मेरे पास 400 के, इसने भी बोला 400 के, अब बराबर हो गया सिस्टम, एक जैसा हो गया,
तो सेकंड वाले ने कहा फर्स्ट वाले चल दिखा पैसे, शो कर, क्या कर, शो कर, शो करेगा तो ये बोलेगा अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अब इसकी पोल खुल जाएगी कि ये तो फालतू की बात कर रहा था। ठीक है, ऐसे ये शो कब होगा, जब मल्टीप्लीकेट करने के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाए, सेम हो जाए तो शो करेंगे, तब फिर वर्चुअल की पोल खुल जाएगी, वर्चुअल और रियल में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, रियल को। समझ में आ गया, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं वर्चुअल रियल में हमेशा रियल, नहीं भाई ये तभी होगा जब एक जैसा सिस्टम बने, एक जैसे ग्रुप बने, उसके पहले तक जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी तरीके से करना है। फर्स्ट एटम डिफरेंट है तो फर्स्ट से, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ, उस तरीके से। ठीक है, रूल नंबर 1 2 3 आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और दो मानना है, डुप्लीकेट करें ट्रिप्लीकेट करें, दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद रूल नंबर 4, अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं हो रहा, यानी आइसोटॉप्स अगर दिए हुए हैं तो जिसका आइसोटॉप ज्यादा, जिस आइसोटॉप का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसे हायर प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे टी और डी में टी को मिलेगी, डी और एच में डी को मिलेगी। तो ये 14, ये 13, ये 12। ठीक है, लेकिन ये खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 4 तभी लगाया जाता है जब रूल 1 2 3 पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो, यानी 1 2 3 से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। समझ में आता है, जैसे ये वाला एग्जांपल जो दिया हुआ है बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और ये CD2 CH3। 99.99% लोग इसको लगाएंगे, लेकिन भैया फर्स्ट एटम यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन, ठीक है कार्बन कार्बन सेम हो गया। अब टीम में आओ, टीम में है दो हाइड्रोजन और कार्बन, ये सेकंड, ये फर्स्ट, इसकी टीम में दो ड्यूटेरियम और कार्बन। एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक मास नहीं देखना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन सेम है क्या, एटॉमिक नंबर पे थर्ड, अब इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दी द थर्ड, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, थर्ड पे यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल गया, ये जीत गया, ये नंबर ही नहीं आया। अब ये एग्जाम्पल अगर ऐसे होता CH2 CH2 CH3 CD2 CH2 CH3, अब थर्ड पे भी फर्स्ट पे भी सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, रूल नंबर 1 2 3 एग्जॉस्ट, तो फिर अब इसको मिलती प्रायोरिटी। फिर हम वापस से आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ सॉरी तीन, यहाँ भी कार्बन, तो फिर हम फिर वापस से जाते, फिर ढूंढते कहीं पे कोई आइसोटॉप तो नहीं है जिसके कारण जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, फिर उससे डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये कब लगेगा, आइसोटॉप को कब ढूंढेंगे, जब रूल नंबर 1 2 3 कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, C14H3 CH2 CH3, बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी। OH17 OCH3 किसे मिलेगी, CH2 OH CH2 OCH3 14 किसे मिलेगी, CD2 OH CH2 OH, अब किसको मिलेगी, अब यहाँ पे समझ में आ गया रूल नंबर 4, सभी को क्लियर है। रूल नंबर 4 कब लगेगा, जब 1 2 और 3 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, उनसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब आइसोटॉप देखना है, उसके बाद आइसोटॉप ढूंढना है। समझ में आ गई सीक्वेंस। रूल नंबर 5, ये
थोड़े टिपिकल एग्जांपल जो आते हैं जीआई के या ओआई के, वहां पे यूज में आता है कि जब ग्रुप सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ CH3H C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब ये तो सेम है, ग्रुप सेम है, ठीक है। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन आप मान लीजिए दिया हुआ है, एक का जेड एक का ई, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया CH3H C, एक का जेड और एक का ई, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, आगे और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जेड है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ई है, तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी जेड और ई में, दोनों डिफरेंट ग्रुप है भाई, जैसे आइसोमर्स होते हैं समावयवी क्या होते हैं या तो उनमें डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का या फिर कॉन्फ़िगरेशन यानी ओरिएंटेशन का, तो ऐसे ही दो ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं, या तो उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप का वर्कआउट करेंगे। अब जेड और ई में प्रायोरिटी किसको मिलती है, जेड को, और यहाँ पे मिथाइल को, तो सेम ग्रुप हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन जेड, समझ में आया। यानी रूल नंबर 5 अभी ध्यान रखेंगे अपन, जेड और ई में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। ऑप्टिकल में भी बात करें, आर और एस में आर को मिलती है, एस को मिलती है, वहां पे बात करेंगे। जैसे नंबर अपने रूल पढ़ लिया अपन ने, रूल नंबर वन आपके सामने है, ये आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, CH2OH CO, फ्लोरीन, इसमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फ्लोरीन एटॉमिक नंबर के बेस पे, कार्बन कार्बन सेम, अब इसी टीम में कौन है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, इसी टीम में दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इसमें तीन, तो क्या मिलेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी शायद आपको, फर्स्ट फ्लोरीन फर्स्ट इज कार्बन, फिर टीम में सेकंड में यहाँ भी कार्बन, कैप्टन सेम, टीम में आयोडीन, इसमें ब्रोमीन, रूल नंबर ये 1 एंड 3 से हो रहा था, ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 4, ठीक है। फिर डिसाइड करना है साइक्लिक ग्रुप अगर आपके पास आ जाए, तो फर्स्ट यहाँ पे इस कार्बन, अब इसमें आपको क्लॉकवाइज भी चलना है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलना है, दो दो आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, ये 1 ये 2, तो ये सेकंड इधर ऑक्सीजन, द 1 2 इधर ऑक्सीजन, इधर से भी देते हैं ये 2 डैश, ये 2 डैश, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, इधर से चले 1 2 3, क्या आएगा कार्बन, इधर चले ये थर्ड कार्बन, इधर से चले
आएगा 3 डैश, क्या आएगा ऑक्सीजन। इधर से चले 3 डैश, क्या आया कार्बन। अभी तक सेम था, अब डिफरेंट मिल गया। मैं इसका ज्यादा है, समझ में आया। इको करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग है ना कंक्लूड कर लेते हैं कि छोटी रिंग को बड़ी रिंग पे प्रायोरिटी दो। देखते हैं, हम याद नहीं करेंगे। फर्स्ट इज कार्बन, कार्बन यहाँ तक सेम है, ये वन। सेकेंड इज ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। थर्ड, थर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम चल रहा है। फोर्थ, 1 2 3, 1 2 3 4 इस कार्बन, 1 2 3 4 ये हो गया फोर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ये 4 डैश कार्बन, 1 2 3 4 ये 4 डैश ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक सेम था, यहाँ डिफरेंट मिल गया। समझ में आया, कहने का मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज भी चलना है, एंटी क्लॉकवाइज भी चलना है। जहाँ पे डिफरेंट एटम मिल जाए, वो जो ज्यादा एटमिक नंबर का मिल जाए वो आप जब जल्दी मिल जाए जिधर से, तो वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा। समझ में आ गया आपको। ये कुछ असाइनमेंट है जो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं इनको डिस्कस करूंगा, इनके आंसर बता दूंगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इनको आप नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम ई जेड के बारे में बात करेंगे, एक्सपर्ट पढ़ाई के। इसी तरह से लाइव सेशन आपको मिलते रहेंगे। आप डाउनलोड करो एक्स्ट्रा पढ़ाई का ऐप, और एक्स्ट्रा पढ़ाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो। हैप्पी इंजॉइंग द लर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।